ओके सो गाइस, आज अपन खेलने वाले स्नेक एंड लैडर्स। और गाइस हमारे साथ है स्क्विड गेम वाले। और गाइस आप देख सकते हो यहाँ पे काफी सारे स्नेक्स एंड लैडर के ब्लॉक्स रखे हैं। और गाइस वो भी एक बड़े से स्नेक के शेप में रखे हुए हैं। तो गाइस हमें करना क्या होगा, देखो नॉर्मली तो हम डाइस को शफल करते हैं और उसके बाद आगे बढ़ते हैं, लेकिन गाइस इस बार हमारे पास काफी सारे मिस्ट्री डोर है और इन सब के पीछे एक एक नंबर होंगे गाइस। तो हर डोर के पीछे 6 से लेकर 0 तक कोई भी नंबर हो सकता है। और गाइस यहाँ पे टोटल 4 मिस्ट्री डोर है। और गाइस अगर हम लैडर पे आए तो हम सेफ है और अगर हम स्नेक पे आए तो अपन अनसेफ है। गाइस फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे इस डोर पे जाकर देखता हूँ, ओके मुझे 3 नंबर आया। गाइस अब मैं स्टार्टिंग से 3 डिजिट आगे जाऊंगा, ओके 1, 2 एंड 3। ओ भाई, तो क्योंकि मेरा लैडर आया तो गाइस मैं सेफ हूँ, लेकिन अगर किसी का स्नेक आता तो गाइस उन्हें एक डेयर मिलता और अगर वो डेयर कर लेते तब उन्हें वो पोजीशन मिल जाती, लेकिन जो भी स्नेक के अंदर से डेयर निकलेगा वो आप नहीं कर पाओगे। तो गाइस आपको वापस स्टार्ट करना पड़ेगा भाई, बहुत दिक्कत की बात है। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। गाइस हमारे पास यहाँ पे 4 प्लेयर्स हैं। तुम निर्मा को नहीं खिलाओगे क्या? निर्मा को देख, हमारे पास टोटल 4 प्लेयर्स की जगह है, तो या तो तू खेल ले तो निर्मा को खेलने दे। अच्छा ठीक है, मैं ही खेल लेता हूँ भाई। अच्छा मुझे लग रहा था निर्मा को टर्न देगा, लेकिन ये है लालची। ठीक है, तो सबसे पहले अपनी टर्न कौन चलने वाला है? मैं ही जाऊंगा भाई, वैसे भी लेडीज फर्स्ट होता है, चलो जा। ये बेकार जोक मारना बंद कर दो भाई। अरे भाई साहब, गाइस अब आजकल चौप भी जोक्स बेकार बोल रहा है। गाइस देखते हैं क्या होता है। गाइस कुछ भी आए, बस मुझे लैडर्स पे जाने मिले। स्नेक में गया तो मैं अनसेफ हो जाऊंगा, चलो चलता हूँ। अरे 0, ये गेम वाले भी मुझे 0 समझते हैं। स्टार्टिंग क्या है? अरे बाप रे गाइस, ये तो स्नेक निकला। इसका मतलब गाइस चौप को इस ब्लॉक से एक डेयर निकलेगा। अपन खोल कर देखते हैं, ब्लॉक्स फूटेगा नहीं, लेकिन जैसी सांप की आंख में गोली मारो गाइस इससे कुछ तो कुछ डेयर निकल जाएगा। अपन चौप के लिए खोलते हैं, 3, 2, 1 लेट्स गो। ओके ये क्या आया है? मालदीव्स और निर्मा चूस वन। अरे बाप रे इतना कठिन। वैसे भी मालदीव्स निर्मा के बिना जाने का क्या ही मजा, और मालदीव्स पहुंच गया और निर्मा ना रहे तो भी क्या ही मजा। तो आई विल चूज माय निर्मा। अरे भाई चौप थोड़ा बहुत तो दिमाग हो रहा है तेरे पास। थोड़ा नहीं बहुत सारा है, थारा भाई चौप के पास इतना दिमाग है कि तुमने सोची नहीं होगी। अच्छा ठीक है भाई, ठीक है आराम से। गाइस अभी है, तुम दोनों में से नेक्स्ट कौन जा रहा है? अरे वाह गाइस, अगली तो मेरी ही टर्न है, चलो चलते हैं। गाइस ये मिस्ट्री डोर ना चूज करना बहुत हार्ड हो जाता है। आपके सामने 4-4 ऑप्शन है और चारों के पीछे से कुछ भी निकल सकता है, लेकिन मैं फिर भी फर्स्ट ऑप्शन चूज करूंगा। मिस्ट्री डोर, मुझे तुम पसंद हो। अरे वाह गाइस, मुझे तो 6 मिल गया, इसका मतलब मैं जीतने वाला हूँ। अरे भाई साहब, गाइस शिनचान को स्टार्टिंग में 6 मिल गया भाई, इसकी किस्मत जो है वो इतनी अच्छी है ना। और मेरी उतनी ही खराब। अभी जाने दो मुझे, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। अरे नहीं गाइस, मैं तो 6 में यहाँ पर आया हूँ, इसका मतलब मुझे स्नेक ब्लॉक्स मिला है, अब यही खोल कर देखना पड़ेगा। कोई है भी नहीं, मैं खुद ही खोल लूंगा। अरे 1 मिनट, डू अ प्रैंक विद चॉप। अरे बाप रे गाइस, चॉप के साथ प्रैंक, उसे पता भी नहीं है। चलो करते हैं कुछ सोच कर। आर्यन भाई, मुझे कुछ पता चला है, लेकिन हम चॉप को नहीं बता सके हैं। क्या क्या पता चल गया भाई तेरे को ऐसे अचानक से? वो भी मेरे बारे में, प्लीज प्लीज मुझे बता दो भाई। नहीं चॉप, अगर मैं तुझे बता दिया तो तेरा दिल टूट जाएगा और दिमाग से हिल भी सकता है तू। वो तो पहले से ही हिला हूँ भाई, और मेरे दिल के टुकड़े और कितने होंगे, बता दो मुझे। देख चॉप, वैसे तो मैं नहीं बताने वाला था, लेकिन अब मैं बता रहा हूँ। थोड़ा सा कोने में आ 1 मिनट। क्या हो गया भाई, अब तो बता दो। चॉप वो जो निर्मा है ना, वो तुझे धोखा दे रही है, उसकी ऑलरेडी शादी हो चुकी है। अरे बाप रे, ये क्या बोल रहे हो? कह दो कि ये झूठ है भैया, मैं नहीं रह पाऊंगा। गाइस लगता है जीने का कोई मकसद ही नहीं है। अरे बाप रे गाइस, चॉप तो ज्यादा ही भावुक हो गया। अरे भाई रुक जा, तुम्हारे साथ प्रैंक हुआ है, वो देखो कैमरा। अरे वाह, यहाँ तो कैमरे भी है, ये देखो मैंने कैमरे भी लगाए थे। फालतू का हार्टबीट बढ़ा दिया था मेरा, यहाँ पे 2 घटिया कैमरे लगा दिया है, तो क्या कुछ भी करेगा मेरे साथ? वो तो तुम हो करके छोड़ रहा हूँ, कोई और होता तो उसे फोड़ ही देता। अरे बाप रे चॉप भाई, गुस्सा मत करो। गाइस जैसे भी करके कम से कम मैंने अपनी पोजीशन तो होल्ड कर ली है, अभी मैं सबसे आगे हूँ। गाइस चलो अभी अपनी टर्न है, एक काम कर
करते हैं गाइस, अंदर जाकर देखते हैं। पहले तो चूज करना पड़ेगा कि किस डोर में जाए। गाइस मेरे को भी सिक्स मिल जाए तो मजा आता। देखो गाइस शिनचान तो इस डोर पे गया था और उसे सिक्स मिल गया था, लेकिन गाइस हर चांस के बाद नंबर बदल देते हैं लोग। बहुत शाणे हो गए गाइस ये स्क्विड गेम वाले, लेकिन एक दिन तो मैं इनसे बदला जरूर लूंगा गाइस। वो दिन आएगा जिस दिन अपन स्क्विड गेम वाले को चैलेंजेस करा रहे होंगे भाई, तब फुल रिवेंज मोड में रहेंगे। लेकिन अभी मैं इस डोर पे आके देखता हूँ। ओके यहाँ पे थ्री है, इसका मतलब गाइस देखो थ्री बुरा नहीं है अगर मैं लैडर्स पे आता हूँ तो, लेकिन अगर मैं स्नेक पे आता हूँ गाइस थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगा। ओके गाइस देखते हैं, रुक जाओ, वन टू एंड थ्री। अरे भाई स्नेक में हूँ गाइस, मैं स्नेक पे आया। एक मिनट अब इसे खोल कर देखते हैं। और गाइस आपको पता है भाई स्नेक पे आओ तो टेंशन बढ़ जाती है। थ्री टू वन लेट्स गो। एक मिनट, प्ले एंड विन रेड लाइट ग्रीन लाइट स्क्विड गेम। अरे यार गाइस हमें रेड लाइट ग्रीन लाइट पे जीतना पड़ेगा यार, ये क्या बात हुई। और अगर हमसे गलती होगी तो ये लोग उड़ा देंगे। गाइस मेरे को रेड लाइट ग्रीन लाइट नहीं खेलना है, वो भी फिर से, इतने बार खेल चुका हूँ मैं। लेकिन अब गाइस इस गेम ने बोला है तो शायद हमें खेलना पड़ जाए, देखते हैं क्या होता है। एक मिनट, अरे गेम स्टार्ट होने वाला है। यहाँ पे एक लाइन, वहाँ पे एक लाइन, लेकिन ये लोग कहाँ से आ गए। गाइस ये तो बड़ी दिक्कत की बात है, हमें रेड लाइट ग्रीन लाइट जीतना इतना पता था, लेकिन हमारे अगेंस्ट ये खतरनाक विलन्स रहने वाले ये नहीं पता था मेरे को। लेकिन ठीक है अपन फिर भी जीत जाएंगे। गाइस रुक जाओ, ग्रीन लाइट, ओके ओके लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो। भाई रेड हो गई है गाइस, और मुझे लगता कोई मेरे आसपास भी भागी। एक मिनट, ये चारों ही मेरे इतने करीब है। और एक मिनट गाइस, ये चारों सेम पोज में क्यों है भाई, ये सोच के मेरे को दिक्कत लग रही है। गाइस फिलहाल तो चेकिंग हो रही है। ओ भाई ये लोग तो स्टैचू ही बन गए, और यहाँ मैं डरे पड़ा हूँ। गाइस ये चारों के चारों बंदे एक्चुअली में स्टैचू बन गए भाई, इनका तो जीतने का चांस बहुत ज्यादा है। गाइस मैं तो जितना भी चाहूँ हिल ही रहा हूँ। एक मिनट गाइस ग्रीन लाइट, ओ भाई लेट्स गो लेट्स गो। एक मिनट रेड, ओके एक मिनट, ये लोग सब गायब हो गए क्या गाइस, एक बार देखने दो। अरे मेरे को घेर के क्यों खड़े हो गए ये लोग, और अभी भी ये चेकिंग कर रहा है। अरे भाई क्या चेकिंग करना है मेरे को, बस मत उड़ाइयो। ओके कोई नहीं हिल रहा है गाइस, ठीक है ग्रीन ग्रीन ग्रीन, ओके लेट्स गो गाइस मेरा क्लियर हो गया। हो भाई गाइस क्योंकि मेरा क्लियर हो गया ये लोग भी गायब हो चुके हैं, और अब मैं अपनी पोजीशन पे भी आ सकता हूँ। लेट्स गो गाइस, मैं यहाँ हूँ और शिनचान वहाँ है भाई, लिटरली तीन कदम आगे मेरे से, क्योंकि उसका सिक्स आया था और मेरा तीन। अब देखते हैं आलोक का क्या होता है। अरे यार फाइनली मेरी बारी आ गई गाइस, आर्यन भी फोर में गया था, मैं भी फोर्थ में ही जाता हूँ, फोर्थ दौर में जाऊंगा और चार नंबर पाऊंगा। अरे यार फोर कहाँ से आ गया, और गेट भी टूट गया, लेकिन ठीक है गाइस कम से कम मैं आगे तो हूँ, हालांकि सबसे तो नहीं लेकिन किसी से तो होऊंगा। ओके यहाँ से चालू होगा मेरा, वन टू थ्री, अरे हट जा भाई फोर। अरे यार गाइस ये क्या था, मेरा आया सीधा स्नेक। अभी खोलते हैं, कोई खतरनाक डेयर ना मिल जाए बस। ओके थ्री टू वन, कॉन्ग्रेट्स यू आर अ सब्सक्राइबर ऑफ आर्यन टू टून्स, नो डेयर। अरे वाह सब्सक्राइब करने का कुछ तो फायदा है गाइस, इस बात पे आप भी सब्सक्राइब कर लो भाई, कुछ तो सही चलेगा कम से कम। नहीं मतलब मैं मजाक कर रहा हूँ, पर गाइस हो सकता है कुछ अच्छा भी हो जाए, तो आप सब्सक्राइब कर लो। अरे यार मेरे को बहुत दुख हो रहा है गाइस, सभी लोग आगे निकल गए हैं और मुझे पता नहीं कि ये मिस्टीरियस डोर ने जीरो दे दिया। मैं फिर से जाऊंगा, कम से कम इस बार जीरो ना निकले भाई। गाइस पहले तो मुझे सोचना पड़ेगा, चलो ज्यादा नहीं सोचना वरना घुटना दुखेगा, सीधा इसमें घुसा। अरे गेट कहाँ है, चलो। अरे बापरे गेट ही टूट गया और मुझे नंबर फाइव मिला। गाइस अभी आगे बढ़ते हैं। अरे वाह इन दोनों से एक बार में ही आगे निकल गया मैं। अरे भाई तो गिर क्यों रहा है, कम से कम सीधा तो चल ले। मैं सीधा नहीं चलता हूँ, मैं टेढ़ा हूँ टेढ़ा। अरे भाई साहब सीधा फाइव, ओके। अरे गिरा तो है ना तू, वन टू थ्री फोर एंड फाइव। ओके गाइस ये गिन भी रखा है। मेरा दिमाग बस घुटने में है भाई, सोचता सब सही हूँ मैं। ठीक है कोई प्राउड होने की बात नहीं है, मतलब भाई दिमाग घुटने में इसका मतलब ये एक मुहावरा, ये तो प्राउड ही हो रहा है गाइस। बहुत कम लोग होते भाई जो दिमाग घुटने में फिर भी थोड़ा बहुत अपने ऊपर प्राउड कर सकते हैं। चॉप इज वन ऑफ दोस गाइस, अब अगली टर्न हमारी है, देखते हैं क्या होता है गाइस। चलो अभी अपन डोर चूज कर लेते हैं, और मेरे को लग नहीं रहा है कि अपने साथ कुछ अच्छा होने वाला है। लेकिन ओके फाइव, एक मिनट, जहाँ से मैं था वहाँ से फाइव। गाइस मुझे काफी टेंशन हो रही है, अगर स्नेक आया तो वापस से अपने को कुछ डेयर करना पड़ेगा। ओके वन टू थ्री फोर फाइव, अरे भाई और हम सबको गिराया इसका क्या। अरे भाई अभी मेरे को पहले डेयर करने दो। गाइस मेरा वापस से स्नेक आ चुका है, देखते हैं क्या होता है। थ्री टू वन लेट्स गो गो बाल्ड। गाइस इसका मतलब हमें टकला होने बोल रहा है भाई। नहीं गाइस मैं टकला होने के बाद बहुत ज्यादा बुरा दिखता हूँ। ओके लेकिन अगर ये बोल रहा है तो हमें करना पड़ेगा, नहीं तो उधर स्क्विड गेम वाले जान खा जाएंगे। वही तो लिटरली जान खा जाएंगे, निपटा ही देंगे। गाइस तो अब हमें टकला होने बोला गया, तो रुको मैं टकला होके आता हूँ। ओके
सो गाइस 3 2 1 ओ माय। तो गाइस अपन टकले हो चुके हैं। अरे बाप रे अरिन भाई, एक बार आपके टकले में तबला बजाने का मन कर रहा है, बजा लूं क्या? एक तो मैं टकला हुआ, देखो तबला बजाना है। अरे भाई ये क्या आ गया, होके बज गए। लेकिन ये अच्छा लग रहा है गाइस, धूप के करेक्ट सामने आए और इस बात पे एक लाइक तो बनता है गाइस। अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो जल्दी से एक लाइक कर दो। तबला छोड़ो, मुझे तो लग रहा है अपने पंजे से तुम्हारे टकले को नोच दूं। अरे भाई ये कैसी ख्वाहिश है तेरी? गाइस मेरे टकले को ही नोच देगा भाई, पूरे स्क्रैचेस पड़ जाएंगे। गाइस अपने टकले को इन सब से बचा के रखना है। कोहिनूर है क्या भाई, पहली बार कोई अपना टकला बचा रहा है? हाँ तुझ जैसे तो घुटने बचाएंगे ना। मैं हूँ भाई, मैं अपना सर ही बचा सकता हूँ क्योंकि मेरा दिमाग तो वही है। ओके मास्टर, गुस्सा ना हो। अरे बाप रे गाइस, अरिन भाई तो मुझसे भी आगे निकल गए हैं, लेकिन मैं इन्हें बता दूं कि आगे तो मैं ही रहूंगा। गाइस चार चार डोर होने के कारण बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाती है, एक काम करता हूँ किसमें जाऊँ? गाइस चलो ज्यादा नहीं सोचते सीधा घुसते। अरे वाह मुझे तो 5 नंबर मिले। गाइस 5 अच्छा है, लेकिन सिर्फ तब तक जब तक मुझे स्नेक न मिले। एक बार स्नेक मिल गया तो 5 तो बहुत बुरा है यार। मैं यहाँ पर था, यहाँ से 5 गिन लेता हूँ। अरिन भाई साइड हट जाओ। 1 2 3 4 एंड 5। अरे यार गाइस स्नेक आ गया, इसका मतलब कुछ तो खतरनाक डेयर मिलेगा। चलो देखते हैं। 3 2 1 लेट्स गो। अरे ये क्या है, थ्रो एग्स ऑन अरिन भाई हेड। अरे वाह गाइस, गाइस अरिन भाई के सर पे अंडे फोड़ने बोल रहा है। अंडे का तो नहीं पता, लेकिन मेरे पास स्नोबॉल्स है। इतनी ठंडी में ठंडे ठंडे टकले में स्नोबॉल्स मारूंगा, मजा आएगा। अरिन भाई को ठंडकता का एहसास दिलाता हूँ। ये क्या कर रहे हो भाई? चुप चुप रहना गाइस, अरिन भाई के सर पे तो मेरा टारगेट हो गया है। 3 2 1 लेट गो। अरे मिस कैसे हुआ? गो। अरे यार मिस हो रहा है। गाइस थोड़ा पीछे से देखते हैं क्या हो रहा है। गाइस चलो मारते हैं, अरिन भाई के सर पे तो निशाना है। लेट गो। अरे वाह। अरे भाई क्या कर रहा है, इतना टकले में मेरे को ठंडा ठंडा लग रहा है। अरे मत कर भाई, मेरे को बहुत ज्यादा ठंडी लग रही है, मेरे टकले में स्नोबॉल कहाँ से आ रही है? शिनचैन भाई ठंडी के कारण मेरे को बेहोश लग रहा है। गाइस एक आखिरी मारना है, लेट्स गो। अरे वाह आप तो भाग सकते हैं। एक मिनट रुक जा, तेरी तो गाइस ये बहुत शैतान हो रहा है। अरे यार मेरा डेयर था वो। अरे यार फिर तो मैं तुझे माफ करता हूँ, लेकिन ये कैसा डेयर था? गाइस मैं टकला क्या हुआ, ये लोग तो मेरा फायदा उठाने लग गए। गाइस ध्यान से देखो, पीछे मेरे टकले में निशान पड़ गया है और सामने भी। अरे यार गाइस मेरे सर पे ही निशान आ गया, ये तो बहुत बुरी बात है। लेकिन गाइस फाइनली मैंने अपनी पोजीशन तो बचा ली, इसका मतलब अभी भी सबसे आगे मैं ही हूँ। गाइस अब तो मेरी बारी है, एक काम करता हूँ किसी में भी घुस जाता हूँ, लेट्स गो। अरे बाप रे यहाँ पर तो 6 आ गया। गाइस अब मुझे लगता है कि मुझे 6 कदम बढ़ना पड़ेगा, अब मैं सबसे आगे हो जाऊंगा। 1 2 3 4 5 एंड 6। अरे हम दोनों सेम डब्बे में। अरे शिट भाई सेम डब्बे में नहीं होना था। मारने की क्या बात है। अरे भाई इन्होंने एक रूल बताया था स्क्विड गेम वालों ने कि अगर हम दोनों सेम डब्बे में आ गए तो हमें स्टार्ट अगेन का ब्लॉक्स आ जाएगा, अभी आ ही रहा होगा। मुझे तो नहीं दिख रहा है, कैसे दिखेगा तेरे पीछे जो है? दिख गया भाई। गाइस अपन दोनों को स्टार्ट अगेन करना पड़ेगा इस जॉब के चक्कर में। भाई इस गेम के चक्कर में मेरे बाल भी गए और गाइस हाथ से माल भी गया, मतलब मैं जीत भी नहीं पाऊंगा अब इतने पीछे जो हो गया हूँ। और गाइस क्योंकि हमें जीतने पे काफी सारे पैसे मिलने वाले थे, अब भाई कुछ नहीं मिल रहा है। गाइस आजकल तो समाज में किसी की भलाई करना ही नहीं चाहिए भाई। निर्मा मैं तो बोलता हूँ ये सब मोह माया है, हम लोग ये सब छोड़कर कहीं दूर चले जाएंगे, मालदीव्स में रहेंगे। अच्छा दूर चले जाएंगे और मालदीव्स में रहेंगे, ठीक है भाई। अगर तेरे को इतना ही रहना है तो हिमालय पर्वत में जाके तपस्या करना, तब सही होगा, तब तू एक्चुअली मेरा डॉगी से इंसान बन पाएगा। मुझे नहीं बनना भाई, अगर इंसान तुम्हारे जैसे होते हैं तो मैं तो डॉगी ही ठीक हूँ। ठीक है अब मेरे को लास्ट तो ले ही आया है, अब देखते हैं आलोक का क्या होता है। अरे वाह गाइस चलो चलते हैं। एक मिनट गेट ही टूटा, उसके पीछे 6 है। अरे यार गेट लग गया, अब तो इन्होंने पक्का नंबर बदल दिया होगा। लेकिन गाइस उल्टा शुल्टा किया होगा तो यहाँ पे 6 मिलेगा, देखते हैं। अरे यार 3, और ये गेट क्यों टूट रहा है? 3 भाई बहुत बेकार राइमिंग थी अपनी, तू पहले टर्न चल के देख। अच्छा ठीक है कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। गाइस मैं यहाँ पर था,
होगा। यहाँ से तीन चलते हैं। ओके 1, 2 एंड 3। अरे वाह लैडर। अरे बापरे गाइस मैं डर गया था कि स्टार्ट अगेन तो नहीं आ गया, क्योंकि गाइस लैडर तो सेफ है, आगे जाता तो निपट जाता। गाइस अभी मेरी टर्न है, मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे मेरे चांस थे इसलिए इसे गंदा कर देता हूँ ताकि मुझे याद रहेगा कि मैं वहीं खड़ा था। गाइस चलो अभी जाकर देखते हैं यार, इस वाले पे ही घुसते हैं। ओके लेट्स गो। क्या हो सकता है 1? अरे यार इतनी मेहनत करने का सिर्फ 1 मिला। गाइस देखो मैं यहाँ पर था, इसका मतलब अरे यार फिर से स्नेक आ गया। गाइस चलो खोल कर देखते हैं इसकी आंखों में 2 पट्टी। ये क्या है, एक्सचेंज योर पोजीशन विद द लास्ट गाय। अरे यार गाइस मैं सबसे आगे था, अब मुझे एक्सचेंज करना पड़ेगा। लेकिन यह तो कंफ्यूजन है, यहाँ पर तो चॉप और आर्यन भाई दोनों ही लास्ट गए हैं। अरे भाई मेरे से लास्ट कोई गाय ही नहीं है, मैं लास्टेस्ट गाय हूँ। वैसे तो कोई वर्ड भी नहीं होता है। अरे भाई जो भी है, लेकिन तू मेरे साथ एक्सचेंज करेगा, मैं नहीं जानता। इस लाचार डॉगी पे तुम्हें थोड़ा भी तरस नहीं आ रहा है क्या? थोड़ा भी आ रहा है तो मेरे साथ कर लो भाई। तरस और तेरे ऊपर बिल्कुल भी नहीं भैया, तुझे तो एक दो चाटे मर दूं मैं। गाइस मैं तो धर्म संकट में आ गया हूँ, एक तरफ आर्यन भाई और एक तरफ चॉप, जिसको भी दूंगा दूसरे को बुरा लगेगा। अब करूँ तो करूँ क्या? गाइस मैं तो कंफ्यूज हो गया हूँ, आप ही मुझे कमेंट में बता दो कि आर्यन भाई को टर्न दूं या फिर चॉप को, क्योंकि आर्यन भाई ने तो बहुत सेक्रीफाइस भी किया है, अपने बाल भी मुंडवाए है। ये लो। अरे भाई बहुत ठंडी है। गाइस अभी हमारा काफी सारा गेम बचा है, लेकिन गाइस आज के वीडियो में तो इतना ही था। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, और गाइस अगर आपको इस वीडियो का आगे का देखना है तो मुझे कमेंट में बता दो भाई। चलो फिर अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।